हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इंदौरी इन ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन ने हर स्टूडेंट को परेशान कर रखा है कि कब बॉर्डर खुलेगी। हर स्टूडेंट यही जानना चाहता है कि कब बॉर्डर्स खुलेगी और कब वो अपनी होम कंट्रीज से ऑस्ट्रेलिया आए, या काफी सारे लोग इस टेंशन में बैठे हैं कि हमारे पास वीजा है और हम कब ऑस्ट्रेलिया के स्टडीज या अपने जॉब कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग परेशान हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ फैक्ट के साथ कि बॉर्डर्स कब खुल सकती है या फिर कब खुलने के चांसेस हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको काफी सारे आंसर आपके मिल जाएंगे। और फ्रेंड, एक बात और बता दूं, अगर आपको कुछ कमेंट में आपको रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप वेट करें, मैं इस पर लाइव आता रहता हूँ वीक में 2-3 बार, तो आपके काफी सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा फेस टू फेस। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, अभी सबके मन में एक ही बात है कि बॉर्डर्स कब खुलेगी। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉर्डर्स बंद क्यों हुई थी। तो सारे लोग जानते हैं कि बॉर्डर्स बंद हुई थी कोरोना की वजह से, उसके पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आई होप आप समझ सकते हो, जब बॉर्डर्स बंद हुई थी कोरोना की वजह से तो खुलेगी कब, जब कोरोना ठीक हो जाएगा। तो आप अच्छी से समझ सकते हैं कि आप जिस कंट्री से हैं वहां पर कोरोना के केसेस अभी कितने हैं। अब अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से, आप कहीं से भी हैं, तो आप अपनी कंट्री में केसेस दे सकते हैं। वहां पर केसेस बढ़ ही रहे हैं और अभी कंडीशन ठीक नहीं है। तो क्या आपको लगता है ऐसे कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया आप लोगों के लिए बॉर्डर्स खोलेगी? क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले यहाँ की सेफ्टी देखेगी। ऑस्ट्रेलिया में केसेस बहुत कम हो गए थे बीच में, मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड सब जगह बहुत कम हो गए थे, बट मेलबर्न में कुछ फ्लाइट्स आई, काफी लोगों की वजह से कुछ केसेस फैले, तो वापस वहां पर लॉकडाउन हो गया पिछले 1-2 महीने से, और अभी फिर 4 वीक का एक्सटेंशन हो गया लॉकडाउन में। तो क्या आपको लगता है ऐसे में उनको इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोलना चाहिए, वो इतना रिस्क लेंगे अपने सिटीजन्स के साथ? नहीं फ्रेंड, जो केसेस आपके जब तक कम नहीं होंगे अपनी कंट्रीज में, या फिर इसकी प्रॉपर तरीके से वैक्सीन नहीं आ जाती है, जब तक बॉर्डर्स खुलने के चांसेस नहीं है। आप किसी से भी पूछ लें, एजेंट से पूछ लें, यूट्यूबर से पूछ लें, या आपके कोई फ्रेंड से, कोई आपको इसका आंसर नहीं दे पाएगा। सिर्फ आपको नॉर्मल मिलेगा कि वेट करो या कुछ टाइम में खुल जाएगी। बट आप अगर थोड़ा सा लॉजिकल सोचें, क्योंकि आई होप आप इतने पढ़े हो, आप बैचलर्स पढ़े हो, कुछ मास्टर्स पढ़े हैं, तो आप अपना थोड़ा सा यूज कर सकते हो, तो आपको अपने आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स। और उसके बाद पहले अभी यहाँ ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी सबसे पहले खुलेगी इंटर स्टेट, ठीक है? अभी इंटर स्टेट ही नहीं खुली है प्रॉपर तरीके से, तो इंटरनेशनल कैसे खुलेगी? तो अगर आप सोचो तो सबसे पहले खुलेगी इंटर स्टेट, इंटर स्टेट के बाद भी कुछ ट्रायल चलेगा। ऐसा नहीं है कि बस आज इंटर स्टेट खुली है तो 1 हफ्ते में या 2-5 दिन में इंटरनेशनल चालू कर दी, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड। आप थोड़ा सा फैक्ट सोचें, सबसे पहले इंटर स्टेट खुलेगी, उसके एटलीस्ट 1 महीने या फिर मैं बोलूं 4-6 वीक्स ट्रायल चलेंगे कि भाई इंटर स्टेट में तो वापस केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको बार बार चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसे केसेस बढ़ने लग गए तो फिर लॉकडाउन बनाना पड़ेगा, फिर काफी पीछे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो इस वजह को, मतलब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले इंटर स्टेट खोलेंगे। अब इंटर स्टेट कब खुलेगा? ऑलमोस्ट दिसंबर के बाद या दिसंबर के आसपास, ठीक है? दिसंबर के बाद तक अगर इंटर स्टेट खुलता है तो आप 1-2 हफ्ता या 1-2 महीना मान सकते हैं कि पूरा ट्रायल होने के बाद पता चलेगा केसेस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो वो फिर सोचेंगे कि हाँ इंटरनेशनल खोल सकते हैं, अगर केसेस बढ़ेंगे तो इंटरनेशनल आप भूल जाओ। तो अगर आप ये प्रोसेसर देखें और थोड़ा सा अगर माइंड यूज करेंगे तो इस फैक्ट के हिसाब से अभी काफी टाइम लगने वाला है, ऑलमोस्ट 4-5 महीने और लग सकते हैं, बट कुछ और अपडेट्स आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो कि जल्दी बॉर्डर्स खुलेगा, फ्री टाइम में आप काफी सारी चीजें सीख सकते हो, अपने स्किल्स से रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड आप नई नई स्किल्स सीख लो, अपने कोर्स से रिलेटेड जितनी सारी चीजें पढ़ सकते हो पढ़ लो, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा मैं अपडेट के साथ वीडियो बना दूंगा, बट अगर आप बार बार किसी से भी पूछ लें ये क्वेश्चंस कि बॉर्डर कब खुलेगी,
तो इसका आंसर आपको कोई नहीं दे पाएगा, सिर्फ आप थोड़ी बहुत अपनी स्टडीज करते रहे और ज्यादा से ज्यादा आप न्यूज देखते रहे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड और अपनी कंट्री से रिलेटेड। अगर वहां पर कोरोना केसेस कम होने लग जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया में भी सारी सिचुएशन प्रॉपर हो जाएगी तो आगे फ्यूचर में चांस बढ़ेगा कि बॉर्डर्स खुलेगी। अदरवाइज काफी टाइम लगने वाला है। अगर आप समझदार हैं तो आप इस फैक्ट से समझ सकते हैं कि मैं आपको क्या प्रॉपर तरीके से बताना चाहता हूं। और अगर वैक्सीन आ जाती है तो हो सकता है बॉर्डर्स थोड़ी जल्दी खुल जाए, अदरवाइज काफी टाइम लगने वाला है बॉर्डर्स खुलने में। और मैं ये वीडियो डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोग हो सकते हैं जिनको वीडियो पसंद ना आए, बट अगर आप फैक्ट से सोचोगे तो ऑलमोस्ट मेरी बातें सही होगी और यही ऑप्शन बचा है बस। और फ्रेंड्स काफी सारे स्टूडेंट के डाउट थे कि क्या हमें ऑनलाइन स्टडीज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं तो आप देख लो, आपके काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि बॉर्डर्स कब तक खुलने वाली है और कितना टाइम लगने वाला है। ऑलमोस्ट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो अभी 4 से 6 महीने और लगने वाले हैं बॉर्डर्स खुलने के लिए। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और वहां पर मैं लाइव आता रहता हूं, तो आप वेट करें मैं कब लाइव आता हूं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको एक ही बात बोलूंगा कि पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।